लोगों ने ये एक गैंग 11 आदमियों का गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो गाड़ियां, चार पहिया और मोटरसाइकिलें बरामद किया है और जो छापेबाजी में गया हुआ पैसा 10,40,000 बरामद किया है। ये पूरा का पूरा गैंग इनके ये मूल तमिल मूल के हैं और दिल्ली में इंद्रपुरी और मदनगिरी मोहल्ले पर रहते हैं। वहाँ पर से ये अपनी वारदातें शुरू करते हैं और पूरे के पूरे महीनों भर के लिए पूरे परिवार के साथ इन गाड़ियों में यात्रा करते हैं और विभिन्न शहरों में रुकते हुए छापेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये मोबिल तेल डाल करके गुलेल से शीशा तोड़ करके और स्प्रे डाल करके इस टाइप से ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, कभी पंचर करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट रहते हैं। पूरे इनके समाज के लोगों को बच्चे से सिखाया जाता है और इनके समाज में इसकी स्वीकारता होती है कि जो जितना बड़ा क्राइम करता है उतना ही बड़ा उसका उतना अधिक सम्मान उनके समाज में होता है। कितने राज्यों को लोगों ने अंजाम दिया, कितने राज्यों में? इन्होंने हजारों वारदातों को अंजाम दिया है विभिन्न शहरों में देश के। पैन इंडिया इनका नेटवर्क है, दिल्ली में बेस्ड है, विभिन्न प्रदेशों से में जाकर के ये लोग क्राइम करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया है। फिलहाल यहाँ पर अभी तक जो इनके माध्यम से पूछताछ पर चीजें आई हैं कि बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, फिरोजाबाद, इन शहरों पर और दिल्ली में गिरफ्तारी की तमाम ये जो इन घटनाओं को हम लोग कोरिलेट करने में लगे। अभी फिलहाल हमने 12 घटनाएं आज यहाँ पर की वर्कआउट किया। इनकी 25 टीमें हैं, एक टीम में लगभग 10-12 आदमी होते हैं। किस तरीके से बच निकलते हैं, बैकअप कैसे लेकर निकलते हैं इनके? ये रहता है कि जब ये एक तो एट रैंडम स्पॉट करते हैं अपने टारगेट को और देखते हैं कि कोई सबसे पहले कि कोई बड़ी गाड़ी है, कोई महंगी गाड़ी है और उसमें एक आदमी अकेला ड्राइवर है या कोई और एक या दो आदमी है। और उसके बाद से जब रंबलिंग पे आते हैं, जब वहाँ पर थोड़ा सा स्टाफ होता है उस पर ये दूर से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उसमें कोई बैग वगैरह टाइप की चीज रखी हुई है, फिर उसमें ये मोबिल डाल करके या इस पर डाल करके उसका ध्यान डाइवर्ट करके और वो बैग पार कर लेते हैं। बैग पार करने के बाद से जब निकलते हैं तो बहुत ही नजदीक में चार पहिया गाड़ी दूसरी रहती है जिसमें कि वो बैग दे देते हैं और मोटरसाइकिल वाले गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी कोई एक आदमी बुला था या कोई दूसरे जगह उस गाड़ी को लेकर जाता है। मौके पकड़े जाते हैं तो कौन सी भाषा यूज करते हैं? मौके पकड़े जाने पर तमिल भाषा यूज करते हैं ताकि लोगों को डायवर्ट करने के लिए कि वो ठीक से न पूछताछ के जवाब दे सकें और यहाँ तक उनके परिवार की जो महिलाएं वगैरह हैं वो लोग भी उनको स्केप करने में सहायता करते हैं। धन्यवाद।